और चलते चलते इस समय पहुंच गया हूं गोविंद गोधाम में। जलोधना गया, कृष्णा मंदिर है। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, हम बहुत खाते हैं जो कोई नहीं खाता। जी गोविंद गोधाम है, देखिए जहाँ पर अभी जन्माष्टमी की तैयारियाँ चल रही हैं और जहाँ पर जन्माष्टमी को हजारों लाखों लोग अपने अपने घरों से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आएंगे। ये स्टेज लग रही है जहाँ पर कीर्तन होगा और ये मंदिर है, साथ ही गौशाला है। सोचा कि चलते चलते आपको ये भी दिखा दें भैया। और देखो उधर राम दरबार भी बन चुका है। और देखिए इस समय हम गोविंद गोधाम में मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये गोविंद गोधाम में आए हूँ आज, मैंने सोचा चलो चलते चलते आपको जो मंदिर है लुधियाना शहर का इसके भी दर्शन करा देते हैं। Yeah.
ये देख भगतगंज जो है यहाँ पर श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेने के लिए, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए। और देखिए ये तो गोविंद गोधाम है जहाँ पर मैं इस समय आपको ये जो भगवान के दर्शन कराने के लिए यहाँ पर लेकर आया था। देखिए ये हमारे देश का तिरंगा और ये हमारे आर्ट्स के नायक राधे 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 राधे
और जब कभी आप जहाँ पर ऐसी जगह पर आएंगे तो आपके मन को वैसे ही जाने की शांति मिलेगी। और जहाँ पर इस समय आप देख रहे हैं भगवान का जो कीर्तन हो रहा है, भगवान का जो सत्संग किया जाता है, कहता कि भगवान आते नहीं, कहते भगवान को बुलाइए तो सही, आप आ जाएंगे। जय गोविंद गोधाम है। चलते चलते जहाँ पर मैं चला आया, वैसे तो हमारे कुछ नए दृश्य आए थे, उन्हीं के साथ में जहाँ पर आया हूँ, ग्रीस के अंदर का देश, जो जहाँ पर हिंदुस्तान पर थे, उन्हीं को दर्शन कराने के लिए अपने रिलेटिव है जहाँ पर आया था, तो सोचा मैंने चलो आ जाओ आप मुझे दर्शन करा देते हैं। इंडिया में पंजाब में लुधियाना में जय गोविंद गोधाम जहाँ पर कीर्तन चल रहा है, कौन कहता है भगवान आते नहीं है, महाराज जी कीर्तन कर रहे हैं समय। और यह भारी दृश्य है यहाँ का, ये गौशाला है गोविंद गोधाम की। और अभी जन्माष्टमी का जो त्यौहार है जहाँ पर बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाएगा, चलते चलते हम जहाँ पहुँच जाते हैं भाई आपको कुछ ना कुछ दिखाते हैं। चलो चलिए आप खुद भी कभी दर्शन करने के लिए जहाँ पर आए। जय गोविंद गोधाम है लुधियाना का मंदिर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी आपको साक्षात दर्शन देंगे, आए तो सही आपको, आपके मन में वही तरंग, वही भावना, वही प्यार, कर्म कर फल की चिंता मत कर, भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश है। कर्म कर्म करने के लिए जहाँ हमारे हिंदुस्तान में जब मिलेगा, तब ये हिंदुस्तान फिर वही स्वर्णिम इतिहास में जो पहले था, फिर वही हिंदुस्तान बन जाएगा, वेदों का स्थान।